हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल रेडियो केयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2.5 लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स, ये चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल रेडियो केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये है मीनिंग्स, अभी मैं मीनिंग्स दूंगा, आप देख लीजिए। ओके, ये पूरे वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, आप लिख लीजिए इन्हें। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी कि मैं आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। ओके, तो असाइनमेंट वन देख लीजिए, आप असाइनमेंट देख लीजिए। तो क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो आप, असाइनमेंट हमारा यहाँ से चालू होगा और यहाँ से खत्म होगा। तो क्वेश्चन वन हमारा थिंक एंड आंसर, यानी कि हमें सोचकर आंसर करना है। तीन क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन के आप आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स। पहले दो क्वेश्चंस दिए और उनके आंसर देख लीजिए, और फ्रेंड्स ये वाला थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए, डायग्राम है। ओके, और फ्रेंड्स ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर आप देख लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए, कंप्लीट दी फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट है हमारा बेनिफिट ऑफ योगा, तो वो डायग्राम के लिए आप अपने पेज रिफर टू दी क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन जो था आपका, क्वेश्चन नंबर वन में से थर्ड वाला जो क्वेश्चन था मैंने अभी आपको दिखाया, वो ही आपको बेनिफिट ऑफ योगा के लिए यूज करना है। ओके, कौन सा वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो जो बेनिफिट ऑफ योगा वाला जो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, वो आपको ये वाला उधर कर देना है, सेम क्वेश्चन। ओके, ये देख लीजिए आप, बी है प्रिकॉशंस इन योगा प्रैक्टिस, इसका आप देख लीजिए आंसर भी है ये बी का, ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। और फ्रेंड्स सी है हमारा व्हाट इज योगा, व्हाट इज योगा का ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये है लैंग्वेज स्टडी, तो क्वेश्चन नंबर वन है लैंग्वेज स्टडी में, लिस्ट द नाउन्स ऑफ बॉडी पार्ट्स यूज्ड इन द पैसेज, तो पैसेज में कौन से बॉडी पार्ट्स हैं उसका नाम यूज करना है, तो ये आंसर है आपका, देख लीजिए। सेकेंड है लिस्ट द एडवर्ब्स एडवर्बिल्स यूज्ड इन द पैसेज, तो इसका आंसर दिया है एडवर्ब्स और एडवर्बिल्स, उसका आंसर आप देख लीजिए। ओके, और लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री है अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो पांच सेंटेंसेस दिए और उनके आंसर्स दिए आप देख लीजिए। ओके, और राइट आंसर को हमने कंजक्शंस को अंडरलाइन किया है। क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शंस फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो दोस्तों जो ब्रैकेट्स में कंजक्शंस दिए हैं उसमें से कोई एक चूज कर करेक्ट वाला आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो उसके आंसर्स दिए हैं जो अंडरलाइन किया है वो आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है हमारा अंडरलाइन द इंटरजेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो पांच सेंटेंसेस दिए हैं जो इंटरजेक्शंस आया वो आपको अंडरलाइन करना है, तो इधर आंसर दिए हैं और राइट आंसर को हमने अंडरलाइन किया है। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंटरजेक्शंस फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो फाइव आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको करेक्ट इंटरजेक्शंस लगाकर जो ब्रैकेट में दिए हैं इसमें से दो इंटर ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई एक राइट रहेगा, तो उसमें से आपको चूज कर लिखना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, तो राइट आंसर दिए हैं आपने, हमने अंडरलाइन भी किया है उसे। ओके, देख लीजिए आप आंसर्स को, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो ये फ्रेंड्स ये वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अब्दुल रेडियो केयर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडियो केयर।